प्रभु यीशु व उनके शिष्य भीड़ से अलग होने के लिए बैतसैदा पहुंचे। पर भीड़ को इसका पता चल गया तो वो प्रभु के पीछे हो गई। शाम को पतरस ने कहा, स्वामी इन लोगों को भेज दे कि वे आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन और रहने की जगह ढूंढ सके। ये एक सुनसान जगह है। तुम स्वयं इनके भोजन का प्रबंध करो। लेकिन हमारे पास केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां ही हैं। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो धरती पर अन्न उपजाते हैं। ये तो चमत्कार है। विश्वास नहीं होता।